हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपी टेट की परीक्षा बहुत ही शीघ्र होने वाली है और हमेशा की तरह इस बार भी टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपके सहयोग के लिए बिल्कुल अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट की क्लासेस लगातार आपको मिल रही हैं, अंग्रेजी, पर्यावरण, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, ये सारी कक्षाएं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या होती है विज्ञान वर्ग की, क्योंकि 6 से 8 तक जो जूनियर की परीक्षाएं होती हैं यूपी टेट की, वहां पर विज्ञान वर्ग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो विज्ञान वर्ग को पढ़ने के लिए आज हम विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे वो आपके यूपी टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस में मैंने आपको एक क्लास दी थी जहां पर मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया था, और आज की क्लास आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है, यानी कि क्लास को पढ़ने के बाद जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आप सभी को, मुझे यकीन है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन में पहली बार ऐसे कॉन्सेप्ट सुनेंगे और उनको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो देखिए विज्ञान क्या है, हमारे दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं उन्हीं का बिल्कुल सार है। कुछ घटनाओं को हम लोग गौर करते हैं, कुछ घटनाओं पर हम लोग गौर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज एक नई क्लास जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से हम लोग सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग करके बहुत बड़े भूभाग को, बहुत बड़े एरिया को छोटे से एक स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बहुत सारे ऐसे फिनामिना हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बता दें कि प्रीवियस में भी मैंने आपको एक क्लास दी है, आपने उसको पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस क्लास को जरूर स्टडी करें। उस क्लास से आपको कुछ ऐसे अनुप्रयोग देखने को मिल जाएंगे जो आपको दैनिक जीवन में आपके प्रतिदिन वो घटते रहते हैं। जिस प्रकार से टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा हर परीक्षा में आपके साथ आपका अग्रणी सहयोग करता है, ठीक उसी प्रकार से यूपी टेट की परीक्षा है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, लेखपाल की परीक्षा है, इन सभी परीक्षाओं के लिए संस्थान पूर्ण रूप से तैयार है। तो दोस्तों आइए हम आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश। प्रकाश के बारे में मैं आज आपको कुछ ऐसे अनसुलझे पहलुओं को बताऊंगा जिससे आप YouTube पर कहीं नहीं पा सकते हैं या फिर किताबों में इसका वर्णन नहीं होता। क्योंकि हम इसके पहले जब भी पढ़ते हैं तो केवल बस रट्टाफिकेशन करते हैं, रट्टा मार के पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट कैसे समझा जाए। तो दोस्तों प्रकाश पढ़ना हमको, यानी कि लाइट, आप सभी को पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर हम प्रकाश की बात करें दोस्तों, तो प्रकाश एक ऐसा अनसुलझा पहलू है जिसे वैज्ञानिक भी सिद्ध करने में कई बार परेशान हो गए। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये ऐसी ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चलता है, यांत्रिक तरंग के रूप में भी चलता है। बेसिकली हम कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है, और प्रकाश हमारे दृष्टि की संवेदनाओं को जागृत करता है। दरअसल प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। ध्यान देना, यहां नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनको समझना बहुत जरूरी है। भाई क्यों नहीं, कोई खुरदुरी दीवार है वहां पर हमारा प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता है, क्यों केवल प्लेन सरफेस पर ही हमारा इमेज बन पाता है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हम वर्तमान में तो देखते हैं परंतु यह वर्तमान नहीं बल्कि हमारा भूतकाल होता है। तो आपको सब बताऊंगा दोस्तों मैं। देखिए, तो प्रकाश एक्चुअली एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि की संवेदनाओं को जागृत करती है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश का उस वस्तु से नियमित परावर्तन होता है और प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर के, दृश्य प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर के हमारी आंखों में आता है और हमारी आंखों की रेटिना पर एक पोटेंशियल डालता है, और हमारी रेटिना पर ही वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों बता दें आप सभी को कि रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन देखिए हमारे मस्तिष्क की कितनी बड़ी महिमा है कि हमारे मध्य मस्तिष्क में एक भाग होता है कारपोरा, वो कारपोरा भाग क्या करता है,
इस उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब को सीधा कर देता है ताकि हम वस्तु को आसानी से देख सके। सबसे बड़ी बात, परीक्षा में प्रश्न बना हुआ है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को देखने के बाद जब उस वस्तु से निगाह अपनी हटाते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कब तक बनता है हमारी आंखों पर, तो हम इन सबके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि प्रकाश एक ऊर्जा है, और कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि की संवेदनाओं को जागृत करता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है ना। और अगर प्रकाश की बात की जाए तो देखिए यहां पर प्रकाश सबसे पहले कहां आता है दोस्तों, प्रकाश सबसे पहले वस्तु पर आएगा। कहां पर आएगा, सबसे पहले प्रकाश आता है वस्तु पर, और जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, वस्तु पर आएगा दृश्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा के रूप में, तो यहां वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, परावर्तन होगा, बल्कि हम कहेंगे नियमित परावर्तन। तत्पश्चात ये प्रकाश हमारी आंखों की रेटिना पर आता है, आंखों की रेटिना पर आएगा, रेटिना पर, और इसी रेटिना पर वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। चूंकि जो हमारी आंखों का जो हमारे लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तब जाकर के जो हमारा मध्य मस्तिष्क है, हमारे मध्य मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं कारपोरा, तो मध्य मस्तिष्क का कारपोरा भाग, कौन सा भाग, कारपोरा भाग उस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। तो ये होती है जर्नी प्रकाश की। और अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने कहा प्रकाश एक शरारती बच्चा है जो किसी की बात नहीं मानता, जो किसी की पकड़ में नहीं आता है। तो जैसे हमारे आसपास दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं बहुत मतलबी, और वो आपके सामने आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे, आपका बहुत ही महिमा मंडन करेंगे, लेकिन जैसे ही आप उनके पीछे होते हो आपकी बुराई शुरू कर देते हैं। तो प्रकाश भी कुछ ऐसा ही होता है। क्यों, देखिए प्रकाश की बात मैं क्यों कर रहा हूं कि प्रकाश ऐसे क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश जब भी ट्रेवल करता है तो प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है। देखिए दोस्तों, प्रकाश हमेशा दो रूपों में गमन करता है। इसकी दोहरी प्रवृत्ति क्या क्या होती है, हम इसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं। प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति यह होती है कि कभी कभी प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ठीक है ना, और कभी कभी प्रकाश क्या होता है, कण के रूप में चलता है। तो कभी कभी दोस्तों प्रकाश क्या होता है, कण के रूप में चलता है, कभी प्रकाश क्या होता है, तरंग के रूप में चलता है। यानी कि अभी तक हम कंफ्यूज हैं कि प्रकाश एक्चुअली में चलता कैसे है, लेकिन फिर भी दोस्तों सिद्ध किया गया है कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है, एक होती है कण के रूप में और एक कैसे होती है, एक होती है तरंग के रूप में। दरअसल क्या है, देखिए जब हम किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो उस वस्तु से निगाह हटाने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है 1/16 सेकेंड तक हमारे मस्तिष्क के कारपोरा पर बना रहता है, 1/16 सेकेंड तक। सबसे बड़ी बात यह, हम सब प्रकाश को देख भी नहीं पाते, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को हम अच्छे से देख सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात करें तो 400 नैनोमीटर से लगभग 700 नैनोमीटर के प्रकाश को, ठीक है ना, जो हमारी आंखें होती हैं वो कितने, वो 400 नैनोमीटर से लेकर के लगभग 700 नैनोमीटर के प्रकाश को देख पाती हैं, और किसी प्रकाश को हमारी आंखें नहीं देख पाती। ये तो बिल्कुल फैक्ट है, ये आपको जानना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम बात करें यहां प्रकाश कण और तरंग का, तो देखिए दोस्तों प्रकाश के जो कण का सिद्धांत है, सबसे पहले दकार्ते एक वैज्ञानिक थे, बताऊंगा मैं सब कुछ आपको। तो सबसे पहले दकार्ते एक वैज्ञानिक थे, दकार्ते ने इस बारे में बताने का प्रयास किया था, लेकिन दकार्ते प्रकाश के कण की प्रवृत्ति को सही से समझा नहीं पाए। उसके बाद न्यूटन साहब आते हैं, आपको पता है कि न्यूटन बाबा जब ये आते हैं तो उन्होंने प्रकाश के कणिका सिद्धांत को सिद्ध किया और कुछ टर्म बताए प्रकाश, जैसे परावर्तन के टर्म को बताया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें प्रकाश के कण के सिद्धांत की, तो बहुत दिनों बाद आइंस्टीन सर आए, आइंस्टीन सर ने बताया दोस्तों कि प्रकाश जो होता है वो कणों के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसको फोटॉन कहते हैं, ठीक है ना। और इसके द्वारा हम क्वांटम इफेक्ट या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं प्रकाश के कण के सिद्धांत से। अगर तरंग की बात करें तो देखिए हाइगेंस महोदय, दोस्तों हाइगेंस महोदय ने क्या कहा था कि जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। हाइगेंस ने क्या कहा, प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है और ये अवरक्त तरंगों की तरह व्यवहार करता है, और तरंग के सिद्धांत के द्वारा प्रकाश
कि जितनी घटनाएं होती हैं अपवर्तन परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन इन सबको हम सुलझा सकते हैं। इसी में देखिए मैक्सवेल साहब आए थे, यानी हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश यांत्रिक तरंग है, वहीं पर मैक्सवेल साहब आए, मैक्सवेल ने कहा प्रकाश अयांत्रिक तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया, फाइनली ये जाना गया कि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी दोस्तों चलता है। तो प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति आपने देख ली है कि वह कण के रूप में चलता है और तरंग के रूप में चलता है। अब यहां देखिए दो चीजें, अगर हम प्रकाश की बात करते हैं दोस्तों तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है ना, तो स्वयं का प्रकाश होता है तो उनको हम कहते हैं प्रदीप्त। जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा उसे हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना, और जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता उनको हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसको हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और इसे हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा वो प्रदीप्त होगा। अब देखिए चांद जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है तब वो चमकता है। अब हम बहुत सी वस्तुओं को अपने आसपास देख रहे हैं, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, ठीक है ना, आप मुझे देख रहे हो तो मेरे पास खुद का प्रकाश नहीं है बल्कि मोबाइल का जो प्रकाश है, जो लैपटॉप का प्रकाश है उससे आप मुझे देख पा रहे हो, तो हम लोग क्या है, अप्रदीप्त है दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं सूर्य की, तो देखिए सूर्य के पास क्या है, सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, इसके बाद खुद की ऊर्जा है। आपने पढ़ा होगा कि नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना, और वही इसके प्रकाश का भी स्रोत है। देखिए तो सूर्य है, लालटेन जलती है, दीपक जलता है, मोमबत्ती जलती है, बल्ब जलता है, ये इन सभी में स्वयं का प्रकाश है और ये सभी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रदीप्त हैं। ध्यान देना, हम लोग यूपी टेट पढ़ रहे हैं भाई, यूपी टेट के एग्जाम के पॉइंट अभी उसे आपको क्लास मिल रही है, तो मैं आपको वही पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत आवश्यक हो। तो दोस्तों ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स और है प्रकाश के बारे में जिनका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने समझ लिया प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या है। यहां पर प्रकाश के चाल की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों डेंसर मीडियम से लेकर के रेयरर मीडियम में प्रकाश की क्या वेलोसिटी होती है, ये सबसे पहले बताया था रोमर महोदय ने। रोमर एक वैज्ञानिक थे दोस्तों। रोमर ने कहा कि प्रकाश की चाल माध्यम में कम हो जाती है, जैसे जैसे माध्यम सघन होगा वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। लेकिन अगर कोई माध्यम नहीं है, कोई जल वायु कुछ भी नहीं है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। आपको पता है कि कहां पर जल वायु नहीं है, निर्वात में। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। यह बताया किसने दोस्तों, रोमर महोदय ने। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां होती है, निर्वात में होती है। और बताया इन्होंने कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग दोस्तों 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा चाल इसकी होती है, ठीक है ना। ये बताया इन्होंने। फिर बताया कि इसके बाद देखिए प्रकाश की चाल कहां होती है, जल में होती है। अगर जल की बात करें, हाँ, निर्वात के बाद वायु में होती है, ठीक है ना। फिर जल की बात करें हम लोग तो 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये जल में होती है। और अगर हम कांच की बात करें तो प्रकाश की चाल कांच में होती है इतना, 2.0×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो रोमर के अनुसार प्रकाश की चाल देखिए सर्वाधिक कहां हुई, रोमर के अनुसार प्रकाश की चाल सर्वाधिक हुई निर्वात में। दोस्तों निर्वात के बाद कहां हुई, वायु में हुई। वायु के बाद देखिए कहां हुई, फिर जल में हुई। जल के बाद देखिए कहां हुई, उसके बाद दोस्तों कांच क्या है, ठोस हो गया, ठोस। तो सबसे कम प्रकाश की चाल कहां होगी, ठोस में होगी, और सबसे अधिक कहां होती है, निर्वात में होती है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कितना अधिक होती है। बस जान लीजिए कि वायु में निर्वात की अपेक्षा 0.3% कम है और वायु जल की अपेक्षा, निर्वात जो जो जल में प्रकाश की चाल है वो निर्वात की अपेक्षा 25% कम होती है। और अगर हम ठोस की बात करें यानी कांच की बात करें तो यहां कांच में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा 35% कम है, यानी वायु में
0.3% कम होती है, ठीक है ना। इसकी अपेक्षा जल में 25% कम होती है और इसकी अपेक्षा दोस्तों कांच में 35% प्रकाश की चाल कम होती है। तो दोस्तों रोमर महोदय ने क्या कहा, प्रकाश की चाल के बारे में बताया कि प्रकाश की चाल कहां कहां कैसे कैसे होती है। तो बस आपसे प्रश्न यही बनेगा कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां होती है, तो आपका उत्तर आएगा निर्वात में सबसे अधिक होती है और ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अब हम प्रकाश की चाल को डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ वन लाइनर जो फैक्ट हैं उनके बारे में जरा बात करते हैं। और ये फैक्ट दोस्तों क्या है, पूछा गया है कि अगर प्रकाश सूर्य से निकलता है तो उस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश, जब यह प्रकाश सूर्य से निकलता है तो इसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और वहां से चंद्रमा पर पहुंचता है, या फिर चंद्रमा से परावर्तित होकर के धरती पर आता है, तो चंद्रमा पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। दो चीजें, पहला सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, और दूसरा फैक्ट यह है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगाता है। तो देखिए यहां कुल समय लगता है 499 सेकेंड, ये आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे अभी उसकी बात करना बाकी है दोस्तों। फिर देखिए उसके बाद इसको हम कहते हैं लगभग 8 मिनट 19 सेकंड होता है ये, क्लियर ना, इतना होता है 8 मिनट 19 सेकंड प्रकाश की चाल होती है। और अगर दोस्तों हम बात करें चंद्रमा की तो 88 सेकंड की बात होती है, यानी 1 मिनट 28 सेकंड। यहां दोस्तों कितना होता है, 1 मिनट 28 सेकंड, और यहां देखा आपने 8 मिनट 19 सेकंड होता है यहां पर, यह प्रकाश की चाल हो गई। अब हम प्रकाश के बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे आप सभी से। जैसे जिस प्रकाश को हम देख पाते हैं दोस्तों उसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, और प्रकाश में जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कई सारे तरंगे होती हैं। अब प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी तरंगे होती हैं, हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो अगर हम प्रकाश स्पेक्ट्रम की बात करें, बहुत मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, अगर हम लोग प्रकाश के स्पेक्ट्रम की बात करें, प्रकाश का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम देखिए, तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सबसे पहले क्या होती है, गामा तरंग होती है, ठीक है ना। सबसे पहला प्रकाश कौन सा है, वो गामा है दोस्तों, कौन सा, गामा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रकाश देखिए कौन सा है दोस्तों, आपके सामने गामा है, और गामा के बाद देखिए क्या होता है, एक्स होता है, एक्सरे, क्लियर, एक्सरे। उसके बाद देखिए क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है, क्लियर। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है, दृश्य प्रकाश, जिसको हम लोग देख पाते हैं, फिर क्या है, दृश्य प्रकाश है, और दृश्य प्रकाश के बाद क्या है, अवरक्त है, अवरक्त, और अवरक्त के बाद दोस्तों क्या है, दीर्घ रेडियो, दीर्घ रेडियो, और उसके बाद क्या होता है, सूक्ष्म रेडियो होता है, सूक्ष्म रेडियो होता है, ठीक है ना। इस तरह से देखिए, अब अगर हम बात करें कि हम लोग देखिए यहां से इधर बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों गामा से जब हम बढ़ेंगे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, दीर्घ, और हम लोग जब बढ़ेंगे रेडियो की तरफ दोस्तों, तो देखिए इधर की ओर क्या है, बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य है। जितना हम लोग बढ़ेंगे रेडियो की तरफ उतना दोस्तों क्या होगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। तो हम लोग कहते हैं जो इधर हम लोग जा रहे हैं वो हम कहेंगे बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य, हम कहते हैं क्या है ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य है, ठीक है ना। और हम कहते हैं बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य, और यहां कहते हैं घटती हुई तरंग दैर्ध्य, घटती हुई आवृत्ति, घटती हुई आवृत्ति। तो अगर हम गामा से शुरू करते हैं और गामा से शुरू करके हम जाते हैं रेडियो की तरफ, तो आवृत्ति क्या होती, कम होती, और तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। यहां प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो आप कहेंगे रेडियो की, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती, तो आप कहेंगे गामा की। और अगर पूछे कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति गामा की होती है, और सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, रेडियो की होती है दोस्तों। ये चीज हम जानते हैं, ठीक है ना, ये हमें पता है। तो ये चाहे गामा हो, एक्स हो, अल्ट्रावायलेट हो, अवरक्त हो, दीर्घ रेडियो, लघु रेडियो, ठीक है ना, कोई किरण हो, इन सभी किरणों को हमारा
हमारी आंखें नहीं देख पाती, इन सभी प्रकाश को हमारी आंखें नहीं देख पाती। और हमारी आंखें एक्चुअली में किस प्रकाश को देख पाती हैं? हमारी आंखें सही रूप से दृश्य प्रकाश को देख पाती हैं, ठीक है ना। हमारी आंखें देख पाती हैं, देख पाती हैं, क्लियर। इसे ही हमारी आंखें क्या करती है, देख पाती हैं। इसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, इसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। अभी हम इस श्वेत प्रकाश के बारे में आगे आप सभी से बातचीत करेंगे। दरअसल दोस्तों क्या होता है, अगर इसकी आवृत्ति कितनी है, 400 नैनोमीटर से लेकर के कहीं कहीं 700 होता है, कहीं कहीं 760 नैनोमीटर होता है। एक्चुअली हमारी आंखें केवल इसी तरंग दैर्ध्य की प्रकाश को देख पाती हैं, और ना तो इनको देख पाएंगी और ना तो इनको देख पाएंगी। जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के हम कहते हैं 7800 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता होगा दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10^-10 मीटर होता है, आपको पता होगा ये, ठीक है। तो हमारी आंखें केवल इसी स्पेक्ट्रम को देख पाती और किसी को देख नहीं पाती हैं, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान देना। और अगर हम बात करें कि हमारी आंखें केवल इसी प्रकाश, केवल दृश्य प्रकाश को देख पाती हैं, तो थोड़ा सा दृश्य प्रकाश के बारे में एक कॉन्सेप्ट की बात आपसे मैं करूंगा। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप सुनेंगे तो कहेंगे वास्तव में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दोस्तों है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि इस पृथ्वी पर कभी रात नहीं होती, इस पृथ्वी पर कभी रात नहीं होती, तो आप सोचेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। कि दोस्तों इस पृथ्वी पर कभी रात नहीं होती, रात का होना केवल एक भ्रम है, ठीक है ना। रात का होना क्या है, केवल एक भ्रम है। तो आप कहेंगे कि यानी कि ऐसा प्रकाश जिसको हमारी आंखें देख पाती थी वो प्रकाश चला गया, ठीक है ना। ऐसा प्रकाश जिसको हमारी आंखें देख पाती थी वो प्रकाश चला गया, इसलिए हमको लग रहा है दोस्तों क्या है कि रात हो गई है। पर इस पृथ्वी पर कभी अंधेरा था ही नहीं, इस पृथ्वी पर कभी रात होती ही नहीं है, इस समय भी प्रकाश है, ठीक है ना, इस समय भी दिन है। लेकिन देखना यह कि जिसको हमारी, जिस प्रकाश को हमारी आंखें देख पाती हैं वो प्रकाश क्या होता है, उस समय नहीं होता। तो हमको लगता है कि पृथ्वी पर रात हो गई है, परंतु वास्तव में देखिए पृथ्वी पर कभी रात नहीं होती। देखिए हमारी आंखें इसको नहीं देख पाएंगी, इसको नहीं देख पाएंगी, इसको नहीं देख पाएंगी, इसको नहीं देख पाएंगी, इसको नहीं देख पाएंगी। तो हमारी आंखें केवल दृश्य प्रकाश को ही देख सकती हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि दृश्य प्रकाश नहीं रहता, ये उस समय नहीं होता, तो हमारी आंखें देख नहीं पाती और हम लोग कहते हैं कि रात हो गई है। तो हमारी आंखें केवल दृश्य प्रकाश को ही देख सकती है दोस्तों, इस बात का बहुत आप अच्छी तरह से ध्यान देना। और अगर यहां पर दृश्य प्रकाश की बात करें तो जो दृश्य प्रकाश होता है इसको हम 7 रंगों में विभाजित करते हैं। इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो 7 रंगों का होता है, आपने पढ़ा होगा, वैजनी ऑफ पिनाला यानी कि विब ग्योर, क्लियर। क्या होता है, विब ग्योर होता है। अगर हम रेड, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, रेड कहते हैं। और रेड अगर हम इधर बढ़ेंगे तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य है किसकी, है लाल रंग की। और यहां देखिए सबसे कम तरंग दैर्ध्य है किसकी, वॉयलेट की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य दोस्तों किसकी होती है, ये वॉयलेट की होती है, ठीक है ना। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, रेड की होती है। तो अगर सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेड में होगी तो ध्यान देना आप लोग, सबसे कम आवृत्ति यानी कि सबसे कम आवृत्ति किसमें होगी, रेड में होगी। सबसे कम आवृत्ति दोस्तों किसमें होगी, रेड में होगी, इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और सबसे कम ऊर्जा भी इसमें हो जाएगी, ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान देना आप लोग। और यहां देखिए सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी, वॉयलेट की होगी। अच्छा देखिए प्रश्न पूछता है कि आकाश नीला क्यों होता है, पता है आपको, क्योंकि वहां पर क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन होता है, आपको पता है परावर्तन होता है, ठीक है ना। देखिए ये जो नीला रंग है ना, ये परसेंट में सबसे अधिक है भाई, जाहिर सी बात है अगर अपवर्तन की घटना होगी, प्रकीर्णन होगा, एक्चुअली वहां पर क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। अगर प्रकीर्णन की घटना होगी तो आकाश तो वॉयलेट या येलो या ऑरेंज किसी भी रंग में होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जो ब्लू कलर है ये परसेंट में अधिक होता है। अच्छा क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि आप मुझे ये बताओ कि इनमें बीच में कौन सा रंग है, तो आप तुरंत बहुलक निकालेंगे, 1, 2, 3, 4 तुरंत निकालेंगे माध्यिका, तो कहेंगे ग्रीन सबसे बीच में है। दोस्तों गलत है, ग्रीन बीच में नहीं है,
है ना, मैं बताऊंगा कौन सा बीच में है। एक्चुअली क्या होता है, यहां देखिए शुरुआत में जो वॉयलेट है इसकी जो तरंग दैर्ध्य कितनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, और यहां देखिए रेड ये कितनी होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। अगर इनको हम ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 11800 एंगस्ट्रॉम। और इसी को दोस्तों क्या करना है आपको, इसी को आप से आपको दो से इसको भाग दे देना है, तो 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 और यहां गया 2 × 9 = 18। और ध्यान देना यहां पर बता दूं आप सभी को मैं, 5700 से लेकर के 6000 एंगस्ट्रॉम आप चेक कर लेना, ये होती है येलो कलर की तरंग दैर्ध्य। तो आप बताओ बीच में कौन सा हुआ, तो बीच में दोस्तों क्या होता है, बीच में होता है पीला रंग, इसको हम कहते हैं सबसे मध्य का रंग है ये। दृश्य प्रकाश के जितने रंग होते हैं उन रंगों में सबसे मध्य का रंग क्या होता है, पीला होता है। और दोस्तों यही कारण है कि जो कोई वस्तु हमको दिखाई पड़ती है ना, तो जो पीला रंग होता है हमारी आंखें पीले रंग के लिए बहुत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि पीला क्या होता है, प्रकाश के दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम का मध्य का रंग होता है, तो हमारी आंखें पीले प्रकाश के लिए बहुत संवेदनशील होती हैं। देखिए दोस्तों जहां भीड़ भाड़ होगी आप उस भीड़ भाड़ में पीले रंग को बहुत आसानी से देख पाओगे, पीले जो आपकी निगाह है वो पीले प्रकाश पर पहले जाएगी। बता दूं आपको एग्जाम्पल, देखिए जैसे आपने देखा होगा जो स्कूल बसें होती हैं वो पीले रंग की क्यों होती है, क्योंकि हमारी आंखें पीले रंग को पहले देख सकती हैं। टैक्सी ऑटो जो उनकी छत होती है ना वो मैक्सिमम पीले रंग की होती है, क्यों, क्योंकि पीले रंग को हमारी आंखें बहुत जल्दी देख पाती है। यहां तक कि जो मोबाइल का इमोजी होता है ना, ध्यान से देखिए इमोजी कैसा होता है, पीले रंग का होता है, क्योंकि हमारी आंखें पीले रंग के प्रति बहुत संवेदनशील होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारी आंखें दृश्य प्रकाश को देख पाती हैं और किसी प्रकाश को देख नहीं पाती, मैंने अभी कहा था कि इसको भी देख नहीं पाएंगी हमारी आंखें। एग्जाम्पल देखिए रिमोट, जब रिमोट की आप बटन दबाते हो और देखते हो कि क्या उसका उसकी बत्ती जल रही है, तो नहीं जलती, क्योंकि हमारी आंखें उस बत्ती के प्रकाश को देखने के लिए सक्षम नहीं है, हमारी आंखें केवल दृश्य प्रकाश को देख सकती हैं। जैसे ही आप उस रिमोट की बटन दबाएं और सामने अपने मोबाइल का कैमरा खोल के देखा तो मोबाइल के कैमरे में वो रिमोट की बत्ती जलती है, इसका मतलब वो मोबाइल का कैमरा उसको देखने में सक्षम है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कभी रात नहीं होती, बल्कि वह दृश्य प्रकाश जिसको हमारी आंखें देख पाती हैं वह दृश्य प्रकाश पृथ्वी पर उस समय नहीं होता, तो हम कहते हैं कि रात हो गई है, ठीक है ना। तो इतना तो क्लियर आप जान चुके हैं कि हमारी आंखें कौन सी प्रकाश को देख पाती हैं, वो कौन सा प्रकाश है, दृश्य प्रकाश है, और हमारी आंखें किस प्रकाश के लिए बहुत संवेदनशील रहती हैं, पीले दृश्य प्रकाश के लिए, ठीक है। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है, लाल दृश्य प्रकाश की है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, ये बैगनी दृश्य प्रकाश की है, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में इतने सारे पॉइंट्स आपने देख लिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट प्रकाश के और हैं जहां मैं आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है, जैसे कि परावर्तन, क्योंकि परावर्तन वो घटना है जिसकी जिसके कारण वस्तुओं को हम देख पाते हैं। तो यहां हम बात करें दोस्तों प्रकाश के परावर्तन की, अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात आपसे करें तो परावर्तन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली देखिए परावर्तन क्या है, जैसे अभी कोई दीवार है और इस दीवार पे आप यहां दोस्तों खड़े हो, आप यहां खड़े हो और आपने क्या किया, आपने जोर से एक गेंद इस दीवार में फेंकी, अब ये गेंद दीवार में पहुंचती है, वहां से टकरा करके वहां से परावर्तित होकर के वापस आ गई, यही तो है परावर्तन। आपने गेंद को दीवार में मारा और गेंद दीवार से टकराई वापस आ गई, ये परावर्तन है। जब ये घटना प्रकाश में होती है तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, यानी प्रकाश का किसी चिकने माध्यम से टकरा करके पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या था, प्रकाश का परावर्तन था। अच्छा, कभी कभी मैं जब क्लास लेता हूं तो इसको मैं कुछ थोड़ा सा फनी मूड बताता हूं, जैसे ये क्या है, रेखा है, ये क्या है, रेखा, ठीक है। जो जब रेखा के जीवन में आते हैं अमिताभ बच्चन तो हो जाता है बहुत बड़ा परावर्तन, ठीक है, ये क्या है, रेखा है, और ये अमिताभ बच्चन, जब रेखा से मिले अमिताभ बच्चन तो रेखा के जीवन में हो गया परावर्तन, अर्थात प्रकाश का किसी चिकने माध्यम से टकरा करके पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाने की घटना को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों यहां एंगल आर, यहां एंगल
आई और यहां एंगल आर होता है, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, तभी परावर्तन की घटना हो पाती है। देखिए आप मुझे देख रहे हैं, परावर्तन है, मैं आपको देख रहा हूं, परावर्तन है। ये पूरी सृष्टि एक दूसरे को देख पाती है, क्या है, परावर्तन है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग, ब्रह्मांड का केवल 4% हिस्सा हम लोग देख पाते हैं, 96% हिस्सा हम लोग देख नहीं पाते। अब ब्रह्मांड का केवल 4% हिस्सा ही हम देख पाते हैं दोस्तों, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 96% हिस्से का परावर्तन नहीं होता, 96% हिस्से में दृश्य प्रकाश नहीं होता कि हमारी आंखें उसको देख पाएं। तो जहां परावर्तन होगा वहीं आप वस्तुओं को देख सकते हैं, अगर परावर्तन नहीं होगा तो आप वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे दोस्तों। अब देखिए, किसी वस्तु के दिखाई पड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है दोस्तों, होता यह है कि देखिए प्रकाश का परावर्तन, तो किसी वस्तु को दिखाई पड़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो प्रकाश का परावर्तन होता है। दरअसल क्या होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, मान लीजिए प्रकाश कहां पड़ा, इस पत्ती पर, प्रकाश इस पत्ती पर पड़ता है, तो क्या होगा कि प्रकाश क्या करेगा, जो पत्ती है ये पत्ती प्रकाश के कुछ भाग को क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी, है ना, ये पत्ती प्रकाश के कुछ भाग को क्या करेगी दोस्तों, इसको अवशोषित कर लेगी। तो जो भाग इस पत्ती के द्वारा अवशोषित किया जाएगा वह भाग हमको दिखाई नहीं देगा, और ये पत्ती क्या करती है, कुछ भाग को, प्रकाश के कुछ भाग को परावर्तित कर देती है। और ये पत्ती यानी कोई वस्तु प्रकाश के जितने भाग को परावर्तित करती है, उसी परावर्तित प्रकाश के कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं और साथ ही साथ उसके रंग को पहचान पाते हैं। तो ध्यान देना, पत्ती कोई वस्तु क्या करेगी, कुछ भाग अवशोषित कर लेगी प्रकाश का और कुछ भाग परावर्तित कर लेगी, और अवशोषित किया हुआ भाग हमको दिखाई नहीं देता है, और हमारी आंखों में जितने प्रतिशत प्रकाश का परावर्तन होता है उसी परावर्तन, उसी प्रकाश के परावर्तन से हम वस्तु को देख पाते हैं, और साथ ही साथ वस्तु किस रंग की है हम इसको देख पाते हैं दोस्तों। अब इतना क्लियर है कि किसी वस्तु का दिखाई देना प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करता है। जैसे क्या है, अब आपने देखा कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो कोई भी वस्तु जिस रंग को परावर्तित करेगी उसी रंग की दिखाई देगी। ये पत्ती ने 7 रंग को अवशोषित कर लिया था, केवल हरे रंग को परावर्तित किया हमारी आंखों में, तो पत्ती हरे रंग की दिखाई देती है। गुलाब लाल है, गुलाब क्या करता है, 7 रंग में सबको अवशोषित करता है, लाल रंग को आपकी आंखों में परावर्तित कर देता है, तो गुलाब आपको लाल दिखाई देता है। अगर कोई वस्तु श्वेत दिखाई दे रही, सफेद दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु ने पूरे दृश्य प्रकाश यानी पूरे श्वेत प्रकाश को आपकी आंखों में परावर्तित कर दिया, कोई भी प्रकाश अवशोषित नहीं किया, तभी तो वह साफ हमको सफेद दिखाई देती है। और अगर कोई वस्तु काली दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु ने 1% प्रकाश का परावर्तन नहीं किया, वो क्या करती है, पूरे प्रकाश का अवशोषण कर लेती है, तो वस्तु आपको काली दिखाई पड़ती है। तो बस ध्यान देना, अगर कोई वस्तु जिस रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसने उस रंग का परावर्तन आपकी आंख में किया है, तभी उस रंग की दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक छोटी सी घटना आपको समझाने का प्रयास करूंगा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, एक छोटी सी घटना है जिसको बताऊंगा मैं आप सभी से, कि यह घटना देखिए आप बताएंगे कि या क्या यह सही है या गलत है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे यह कहूं कि जिस वस्तु को हम देख पा रहे हैं, कोई भी वस्तु, जैसे मुझे आप देख रहे हो या मैं आपको देख रहा हूं या हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, वह वर्तमान नहीं है, वह भूतकाल है, या मैं ये कहूं कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति वर्तमान को नहीं देख पाता, वह व्यक्ति जिसको देख रहा है वह भूतकाल है, तो शायद आप कहेंगे सर आप क्या कह रहे हैं, लेकिन यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति कभी वर्तमान को नहीं देखता, वो भूतकाल को देखता है, भले ही कुछ सेकंड के लिए, भले ही कुछ माइन्यूट सेकंड के लिए। आइए इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब आप देखिए चेयर है, अब मैं चेयर का एग्जाम्पल क्यों लिया हूं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, समझिएगा दोस्तों, ये क्या है, चेयर है। अगर मैं कहूं कि इस चेयर को आप देख रहे हो तो ये आपका वर्तमान नहीं है बल्कि आपका ये भूतकाल है, तो आप सोचेंगे और आप विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे तो मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन है, बल्कि ये फैक्ट है,
भले ही कुछ सेकंड के लिए। दोस्तों होता यह है कि मान लीजिए देखिए हमारी आंखें हैं, बस समझना अच्छे से, बहुत अच्छा मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, है ना। देखिए अब समझिएगा दोस्तों, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा होगा, किसी वस्तु से टकराया होगा, प्रकाश देखिए है ये प्रकाश, तो जब दृश्य प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा होगा और उस वस्तु पर पड़ने के बाद यहां से परावर्तित हुआ होगा तो प्रकाश के वस्तु पर पड़ने के बाद, यहां से परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचने में कुछ माइन्यूट सेकंड, कुछ माइक्रो सेकंड तो लगे होंगे, है ना, कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ कि वह प्रकाश उस वस्तु से टकराया होगा, उसके बाद वहां से परावर्तित हुआ होगा, तब जाकर के हमारी आंखों में आया होगा। अब इसमें उसके बाद दोस्तों क्या होता है, हमारी आंखों में जाएगा, तब जाकर के हमारे मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। सोचिए इतना समय, यानी कुछ ना कुछ तो माइन्यूट समय तो लगा होगा यह बताने के लिए कि जो आप देख रहे हो यह भूतकाल है, क्योंकि आपने देखा प्रकाश वहां वस्तु से टकराया, आपकी आंखों में आया, रेटिना पर गया, प्रतिबिंब बनाया, फिर वह प्रतिबिंब को हमारे ब्रेन ने जज किया, उसके बाद आपको समझाया कि यार ये तो कुर्सी है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ माइन्यूट सेकंड तो लगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम जिस वस्तु को देख पाते हैं वह कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन भूतकाल होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अंधेरे में कोई दर्पण है, जब अंधेरे में आप दर्पण में देखेंगे तो क्या करेंगे, दर्पण पर लाइट दिखाएंगे, अपने आप के ऊपर लाइट दिखाएंगे, आप इसका मुझे आंसर दीजिएगा। आप लोग अंधेरे में खड़े हैं तो अंधेरे में देखने के लिए आप खुद के ऊपर बत्ती जलाएंगे या आप दर्पण के ऊपर, मान लीजिए दर्पण यहां पर है, कोई मिरर है और आप अंधेरे में हैं, तो आप अंधेरे में खड़े हैं तो आप क्या करेंगे, आप खुद के प्रतिबिंब को देखने के लिए टॉर्च कहां जलाएंगे, इस दर्पण के ऊपर या फिर अपने ऊपर, यह आपको आंसर देना है। देखता हूं मैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम पढ़ते हैं, है ना, हम पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन केवल चिकने तल से होता है। अब क्यों होता है, जरा इसके बारे में चर्चा कर ले कि आखिर प्रकाश का परावर्तन केवल चिकने तल से क्यों होता है। दरअसल दोस्तों जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है ना, वो कैसे होता है, वो दो प्रकार से होता है। अब आप समझेंगे कि कौन से दो प्रकार, तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, क्या होता है, नियमित परावर्तन, परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, परावर्तन। अब आखिर ये नियमित परावर्तन क्या है और ये अनियमित परावर्तन क्या है, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम नियमित परावर्तन की बात करें दोस्तों, तो नियमित परावर्तन हमेशा कहां होता है, चिकने तल से होता है। देखिए चिकने तल से होता है, अगर सतह बहुत चिकनी है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर नियमित परावर्तन होगा, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि वहां पर एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे, दोनों वहां पर बराबर होंगे, एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि वहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन और हां, इसको हम कहते हैं नियमित परावर्तन, इसीलिए चिकने तल पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। अब अगर दीवार खुरदुरी होगी, अगर दीवार खुरदुरी होगी तो देखिए दोस्तों वहां पर क्या होगा, वहां पर नियमित परावर्तन नहीं हो पाता है, और कारण यही है कि वहां पर हमारा प्रतिबिंब सही नहीं बन पाता है। कभी वहां पर क्या होगा, आपतन बड़ा हो जाएगा, कभी वहां पर परावर्तन कोण बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जो खुरदुरी दीवारें होती हैं वहां अनियमित परावर्तन होता है, जिससे कि हमारा प्रतिबिंब वहां पर नहीं बन पाता है, ठीक है ना। इतने सारे पॉइंट्स आपने देख लिए हैं। अब देखिए परावर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो परावर्तन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी में हम बात करते हैं दर्पण की। आपने दर्पण के बारे में इसके पहले बहुत जगह पढ़ा होगा, मैं आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा दर्पण के बारे में दोस्तों। दर्पण एक्चुअली क्या है, मिरर है, ठीक है ना। दर्पण और कांच में बड़ा अंतर होता है। सुबह सुबह क्या करते हैं आप, दिन भर में 25 बार अपना चेहरा देखते हैं मोबाइल में, कहीं दर्पण में, कहीं कहां पर। देखिए होता यह है दोस्तों, दर्पण क्या है, ये कांच की ऐसी युक्ति है, कांच की एक ऐसी युक्ति है दर्पण एक्चुअली में,
कांच की एक ऐसी युक्ति है जिसके एक पृष्ठ पर या जिसके पिछले भाग पर या जिसके एक पृष्ठ पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 या फिर HG यानी पारा का लेप लगा करके दोस्तों दूसरी सतह को परावर्तक बनाते हैं, ताकि किसी भी वस्तु का इमेज, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज, किसी बिंब का प्रतिबिंब यहां पर बन जाए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। दर्पण एक ऐसी युक्ति है, कांच की एक ऐसी युक्ति है जिसके एक पृष्ठ पर सिल्वर नाइट्रेट या फिर पारे की कोटिंग करके उसकी दूसरी सतह को रिफ्लेक्टिव बनाते हैं, ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बन जाए, ताकि बिंब का प्रतिबिंब यहां पर बन जाए दोस्तों। तो ये दर्पण होता है। देखिए, दर्पण एक्चुअली दो प्रकार का आपने पढ़ा होगा। एक होता है यहां पर समतल दर्पण, क्या होता है, एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण, है ना। एक क्या होता है गोलीय दर्पण, और समतल दर्पण जिसको हम कहते हैं प्लेन मिरर, है ना। मैं आपको यहां पर परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, बस समझाऊंगा। एक क्या होता है प्लेन मिरर, और एक होता है यहां पर स्फेरिकल मिरर। अगर हम लोग प्लेन मिरर की बात करें तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बिल्कुल कैसी हो, समतल हो, उसको हम कहते हैं समतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो, गोल हो, धसी हो या उभरी हुई हो, उसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। और इसीलिए गोलीय दर्पण को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, और एक कहते हैं कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण दो प्रकार का हो गया, इसको आपने समझ लिया। हम यहां पर बात करेंगे आज विशेषकर आप सभी से समतल दर्पण के बारे में, लेकिन मैं आपको यहां पर यह कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा अगली क्लास में कि हम लोग कैसे एक बड़े भूभाग का प्रतिबिंब लेने के लिए 10 कैमरे का प्रयोग नहीं करते, बल्कि केवल एक कैमरे का प्रयोग करते हैं। ये क्यों होता है मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अब यहां पूरे क्षेत्र को कवर करना है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैमरा लगाएंगे, लेकिन एक ही उत्तल दर्पण लगा करके पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया और इसी दर्पण के सामने एक कैमरा फिट कर दिया, लो भाई एक कैमरे में काम चल गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा अगली क्लास में। आज हम बात करेंगे आप सभी से समतल दर्पण के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आप सभी से समतल दर्पण के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है ना। अब दर्पण पर भी प्रतिबिंब कैसे बनता है परावर्तन के पश्चात। अगर हम समतल दर्पण की बात करें दोस्तों, तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो देखिए कैसे होता है। वो पहली बात कैसा होगा, सीधा होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा दोस्तों, बराबर होगा, है ना। सीधा होगा, बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा। इस पर जो इमेज बनता है वर्चुअल भी होता है, यानी कि आभासी होता है। तो सीधा, बराबर, आभासी, और सबसे बड़ी बात क्या है, पार्श्व में उल्टा बनता है। पार्श्व में उल्टा, जैसे बगल का क्या होता है, उल्टा बनता है। आपके गाल में तिल बाएं है तो दाएं दिखाई पड़ेगा, समझिएगा। अब ये कोई दर्पण है, ये इस प्रकार से है ना यहां पर, और आपने लिखा यहां पर आर, तो दर्पण में यहां पर ऐसे आर बन के आएगा। एम्बुलेंस पे आप लोग देखते होंगे उल्टे अक्षरों में एम्बुलेंस लिखा होता है, क्योंकि चालक के बिल्कुल ऊपर, सर के ऊपर समतल दर्पण लगा होता है। उसी समतल दर्पण में वो देखता है कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, इसलिए एम्बुलेंस में नाम उल्टा लिखा होता है। तो समतल दर्पण पर जो इमेज बनता है वो सीधा, बराबर, आभासी, लेकिन बगल का क्या होता है, उल्टा बनता है। इस बात को ध्यान देना दोस्तों। कई बार पूछा गया है कि यदि कोई समतल दर्पण रखा गया है, बीच में, ठीक, यदि कोई समतल दर्पण यहां पर रखा गया है, तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप ये बताइए कि यदि समतल दर्पण के सामने, कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है और इस ऑब्जेक्ट की दूरी जो है दर्पण से कितनी है, वो 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर की दूरी पर है, तो यहां पर ये कितना दिखाएगा, कितना शो करेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए जितनी दूरी पर दर्पण से ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही, यानी देखिए क्या है, ये वस्तु है, उतनी ही दूरी पर यहां क्या होगा, इमेज शो होगा, यानी कि 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना। यानी यहीं पर देखिए, यहीं पर इमेज शो होगा, ये कितना होगा, 10 मीटर होगा, ठीक है दोस्तों। हम कह सकते हैं ये क्या है, प्रतिबिंब है, ये इमेज है। तो हम कहते हैं
कि जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यानी बिंब की दूरी, यानी इसको हम बिंब भी कहते हैं, वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिंब। तो बिंब की दूरी बराबर क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। यह पहला नियम है दर्पण का, जो समतल दर्पण उसका पहला नियम, बिंब की दूरी बराबर क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। फिर आपसे पूछ सकता है यहीं पर दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई समतल दर्पण है, ये ऐसे रखा गया है सामने की ओर, और इस समतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर का है, 5 मीटर क्या है, ऊंचा है, तो इमेज कैसा बनेगा, जो इमेज बनेगा वो कितना बड़ा बनेगा। देखिए दोस्तों, इमेज भी कैसा बनेगा, ये 5 मीटर कैसा बनेगा, ऊंचा बनेगा, जो उसका प्रतिबिंब होगा, यानी बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, समतल दर्पण की बात है, ठीक है ना। तो दो चीजें आपने समझी, पहली चीज क्या है कि बिंब की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। आइए एक कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो कहता है कि दर्पण यानी एक समतल दर्पण है, और समतल दर्पण के सामने, देखिए इधर लेपित तल है, इधर क्या है, परावर्तक तल है। समतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ रहा है। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कितने वेग से आगे बढ़ेगा दर्पण की ओर, दोस्तों ध्यान देना, यहां पर हो जाएगा जो यहां पर इमेज है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का वेग, यानी इसको हम कहते हैं प्रतिबिंब का वेग बराबर 2 गुणे बिंब का वेग, 2 गुणे बिंब यानी कि वस्तु का वेग, ये हम कहते हैं यहां पर। तो 3 कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अगर कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो हमेशा वो अपनी ऊंचाई का कम से कम आधा समतल दर्पण का प्रयोग करेगा। दोस्तों ध्यान देना, आप कभी कभी सैलून में जब गए होंगे तो सैलून में क्या होता है कि 2 दर्पण लगे होते हैं, 2 दर्पण लगे होते हैं आमने सामने की ओर। अगर 2 समतल दर्पण है जिनकी परावर्तक सतह बीच में है, और अगर यहां पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दे, तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा दोस्तों, देखिए यहां पर, फिर यहां बन जाएगा बीच में, फिर यहां बन जाएगा बीच में, फिर यहां बन जाएगा बीच में, यानी कि अनंत बनता है। 2 समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है, अनंत बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। 2 समतल दर्पण के बीच रखी हुई किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है, इनफाइनाइट बनता है, उसको आप गिन नहीं सकते, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, नंबर ऑफ इमेज है ना, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या से क्वेश्चन बनता है, प्रतिबिंबों की संख्या से क्वेश्चन बनता है। 2 चीजें बताऊंगा मैं आप सभी को, ठीक है ना। और प्रतिबिंबों की संख्या को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है वो होता है दरअसल n = 360/θ, ये होता है फॉर्मूला इसका। अब देखिए कैसे कैसे इमेज बनते हैं दोस्तों, कैसे कैसे इमेज बनते हैं, हम इसकी बात करेंगे आप सभी से। देखिए यहां पर इमेज बनेंगे, मैं आपको 2 सवाल दूंगा, उसी हिसाब से मैं बताऊंगा आप सभी को, आपको मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, और दोनों क्वेश्चन के अनुसार मैं बात करूंगा यहां पर। देखिए जैसे पूछा गया क्वेश्चन कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 120 डिग्री पर रखे गए हैं, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 120 अंश के कोण पर रखे गए हैं। देखिए यहां पर जो थीटा है उसका मान कितना है, 120 है, 120 डिग्री। तो इनमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू, वहां सूत्र में क्या दिया है, 360 बटे क्या है, थीटा मतलब 120, देख लीजिए कितना होता है, 0 0 कैंसिल, 12 36 यानी कि 3। तो यहां पर कितने बनेंगे, 3 इमेज बनेंगे। यदि क्वेश्चन पूछ दिया आप सभी से कि 2 समतल दर्पण क्या है, कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के सामने 60 अंश पर रखे गए हैं, कितने अंश पर, 60 अंश पर रखे गए हैं 60 डिग्री पर, तो बताइए यहां पर कितना इमेज बनेगा दोनों के बीच में, यह क्वेश्चन पूछता है। देखिए दोस्तों, तो यहां इसके लिए हम क्या करेंगे, n = 360/60, तो यहां पर 0 0 कैंसिल, 36 यानी 6 आ गया यहां पर। अब क्या यह 6 सही उत्तर है, बता दें आप सभी से
कि हमेशा जब भी यहां पर इमेज बनेगा वो कभी इवन नहीं होता, हमेशा ऑड रहना चाहिए। इसको हम कहते हैं कैलिस्कोपिक प्रभाव कहते हैं, है ना। कैसे दोस्तों? तो यहां हम क्या करेंगे, 6-1 कर देंगे, हो जाएगा 5। तो फाइनली यहां पर क्या होगा, 5 इमेज बनेगा। और क्यों? क्योंकि जब सम प्रतिबिंब बनते हैं, जब 6 बन गया ना तो 6 सम हो गया, तो इसमें से क्या करेगा, छठवां प्रतिबिंब क्या करेगा, ओवरलैप कर जाता है। तो छठवां प्रतिबिंब क्या होगा, ऊपर ओवरलैप कर जाता है, इसको हम कहते हैं कैलिस्कोपिक प्रभाव, कैलिस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं इसको, कैलिस्कोपिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी समतल दर्पण पर सम प्रतिबिंब नहीं बनता, जब सम प्रतिबिंब बनेगा तो एक प्रतिबिंब क्या कर जाएगा, दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। और कारण यही है कि कभी सम प्रतिबिंब यहां पर नहीं बनता, हमेशा कैसा बनेगा, विषम बनेगा। तो 360 / θ-1 लगाएंगे हम लोग, तो देखिए यहां पर 5 बन गया। तो दोस्तों हमने इतना पढ़ा है, आज आपने प्रकाश का बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखा, और आज मैंने आपको दर्पण भी बताया। आने वाली कक्षाओं में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। दरअसल केवल लोग इसको रटते हैं, रट करके याद करते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्यों आखिर अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में क्यों होता है, क्यों आखिर लिखा होता है गाड़ियों पर। दोस्तों आप देखते होंगे जो गाड़ियों का शीशा होता है उस पर लिखा होता है एक बात, ऑब्जेक्ट क्लोजर देन दे अपीयर। तो ऑब्जेक्ट क्लोजर देन दे अपीयर आखिर क्यों लिखा होता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।